सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मार्केट। तो वहाँ पे फिश मार्केट भी है, तो चलो आपको आज दिखाते हैं कि कौन से टाइप के वहाँ पे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है और फिशेस है। और आप भी हमारे साथ एक्सप्लोर कीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं फिश मार्केट में। तो चलो चलते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं फिश मार्केट में और अभी हम फिश के सेक्शन में हैं। तो चलो आपको दिखाता हूँ कि कौन से टाइप के फिशेज है और आप भी एक्सप्लोर करना। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी आइस आती है, फिर उसको ये अंकल अच्छे से ऑर्गेनाइज करके इनके शेप में ऐसे बना देते हैं। ये सारी ऐसी आइस बन जाती है और आफ्टर ये आइस कुछ ऐसे 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 बन जाती है, एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से अच्छे से क्लियर फॉर्म करते हुए। और ऐसे ये फिशेस फिर यहाँ पे रखे जाते हैं। कितना टाइम लगता है ये सब ऐसे आइस की? एक 10 मिनट सिर्फ। ये हमूर है, हमूर बड़े वाला। ओके okay, ये छोटे वाला हमूर है। ओके okay, ये छोटी शहरी है, ये okay, बड़ा शहरी है, बड़ा शहरी है। और ये, और ये सीबरी में, सीबरी बड़ा है, सीबास, सीबास। इतने ज्यादा फिश होते हैं तो आप इतने साफ कैसे कर लेते हो इतनी जल्दी? मतलब साफ आदमी रखे होते हैं वही लगाते हैं, वही साफ। अच्छा, हम सेल करते हैं और दूसरा लगता है वो मच्छी वगैरह बनाता है ऊपर से लेके तो सीधा जमीन से। अच्छे बात है। चेक करो कौन सा चाहिए आपको। ये मड क्रैब है, राइट? मड क्रैब। अच्छा, और ये लॉबस्टर है? ये लॉबस्टर है, ये ओमान का, ओमान का। अच्छा, ओमान का। और ये कौन सा? ये लोकल है, दीपक का। ये कनाडा का, कनाडा का। और ये वाला ऑस्ट्रेलिया का पड़ा दीजिए। बहुत बड़ा है। अभी तक जिंदा है? नहीं, ये सुबह जिंदा था लेकिन अभी नहीं है। इसको आइस के ना देखो ना, ये हाँ सही कहा, बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ का छोटा सा रेड है, काला टैगर है, बहुत बड़ा है, बहुत वाला बड़ा टैगर। अच्छा बात। ये कौन सा फिश है? हेलो, 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 ये कौन सा फिश है अंकल? हाउ आर यू? व्हिच इज दिस फिश एंड दिस वन? व्हिच फिश इज दिस? तिलापिया, तिलापिया। ओह, दिस शार्क, बेबी शार्क। इट्स शार्क, वाओ, इट्स स्कैरी, इट्स रियली स्कैरी। या एंड व्हिच वन इज दिस? गोफर। गुड, व्हाट्स योर नेम? नमा साबिर। नाइस टू मीट यू, थैंक यू। फ्रॉम इंडिया। जब भी हम क्लास में कुछ मस्ती वगैरह करते तो टीचर बोलती है कि स्टॉप मेकिंग स्कूल ऑफ फिश मार्केट। फिश मार्केट भी ऑर्गेनाइज हो सकता है, ये इस फिश मार्केट ने मुझे बताया है। और बहुत अच्छी बात है, ये ऐसे ही ऑर्गेनाइज फिश मार्केट अगर हुए तो टीचर ये बोलना बंद कर देगी कि स्टॉप मेकिंग द क्लास ऑफ फिश मार्केट। आपका क्या ख्याल है इस पर? तो गाइज, अगर आप एक पेट पालना चाहते हो, एक पेट फिश, तो ये आपकी सबसे बेस्ट जगह है, क्योंकि यहाँ पे आप एक एक्वेरियम खरीद सकते हो, ये छोटी सी फिश भी खरीद सकते हो जो वाटर में ऐसे बंद है, ये सब फूड, फिश फूड वगैरह है। बड़ा है कि अगर मैं इस पूरे मार्केट को अगर कवर करना चाहूँ तो 1 घंटा लगेगा मुझे, मतलब 1 घंटे से भी ज़्यादा लगेगा।
लेकिन हमारे प्रिय वेजिटेरियन दोस्तों के लिए वेजिटेबल्स एंड फ्रूट सेक्शन भी आने वाला है, तो वेट करिए थोड़ा सा, जब तक मम्मी पापा नहीं आते तब तक मुझे यहाँ पे वेट करने के लिए कहा है, तो मैं तब तक यहाँ पे वेट करता हूँ और मिलते हैं आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेक्शन में। अभी हम पहुँच चुके हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल सेक्शन में। हेलो अंकल, फ्रॉम वेयर डज दिस वाटरमेलन कम्स फ्रॉम? हेलो, विच मैंगो इज दिस? It's like red and orange. Yeah. And what is this? This fashion fruit. What? Fashion fruit. And this? This mango pear. Okay. And this pear, right? Pear, yeah. And what is this one? Oh, violet jaisa dikhta. Good news. Mil chuka hai Alfonso mangoes Dubai mein. गाइज, मैंने ऐसे ही टेस्ट के लिए लिया है, मुझे अल्फांसो मैंगोज बहुत अच्छे लगते हैं, अभी सीज़न चालू है तो मैंने ऐसे ही लिया है, बहुत मस्त खुशबू आ रही है इसके, तो बहुत गुड न्यूज़ है, आप भी ले सकते हो अल्फांसो मैंगोज। अच्छी स्मेल। आप देख ही सकते हैं कितनी वैरायटी है फ्रूट्स और अलग अलग वेजिटेबल्स की। आप सोच रहे होंगे कि अलग अलग देशों से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्यों आते हैं, इसलिए क्योंकि दुबई के पास अपना कुछ एग्रीकल्चर नहीं है, क्योंकि ये मिडल ईस्ट की कंट्री है तो ये मोस्टली डेजर्ट है, यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है कुछ सालों पहले। तो गाइज, एक्चुअली दुबई और दूसरे देशों से इम्पोर्ट करता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हर देश से आती है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, मतलब लिटरली हर कंट्री से आती है, श्रीलंका हो या कोई भी, मतलब ये पूरे वर्ल्ड से ये आने वाली जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं हमें उनका टेस्ट मिलता है दुबई में। प्लांट्स इतना वेजिटेशन डाइट मिलेगा, और गाइस इतने अलग अलग देश से भर के आ रहे हैं ना ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, कुछ के नाम तो मुझे लिटरली खुद नहीं पता है, इतने टाइप के डिफरेंट फ्रूट्स वेजिटेबल्स फिशेस को देखकर गाइस मेरी लिटरली मुझे बहुत भूख लग रही है, और सच्ची मुझे बहुत भूख लगी है, और मम्मी को घर पे खाना भी बनाना है, तो चलते हैं घर। घर लेकिन अगर जाने से पहले मुझे एक चीज़ बतानी है कि आप नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन, ये आपकी चॉइस है, आपको क्या लेना है, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेना है या फिशेस। मेरी तो सिर्फ इतनी उम्मीद रहेगी कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय, गुड बाय, टेक केयर।